हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए, आज धान की खेती का नया प्रोग्रेस चल रहा है। बोला था कि बिया कब आ जाएगा, तो आज बिया कब आने का काम लगा है। और इसको उठा के लोग क्या कर रहे हैं, देखिए खेत के बीच बीच में रख दे रहे हैं। इसको क्या कर किया जाएगा, दो पेड़ एक एक बिता के दूरी पर लगाया जाएगा। लेकिन 13-14 लोग लगे हुए हैं। और इनको क्या दिया जाता है, 7-8 किलो चावल दिया जाता है और खाना पीना इनको दिया जाएगा। पूरा बिया कबारेंगे और जहाँ जहाँ इसको पौधे को लगाना वहाँ रख देंगे ये। फिर पौधे लगाने के लिए अलग लोग आएंगे। देखिए धूप, इस समय धूप भी बहुत ज़्यादा है। देखिए आज धूप है, आज बारिश का मौसम नहीं है तो लोग लगे हुए हैं। उधर देखिए हम लोग का ट्रैक्टर चल रहा है, उधर ट्रैक्टर का भी काम चल रहा है। देखिए उधर अभी भी जुताई चल रही है। और ये इधर ये सब बिया, इनको इनका काम है खाली बिया कबार देना। देखिए इधर रोपने के लिए और लोग हम लोग ले आ रहे हैं ट्रैक्टर से। देखिए वो ट्रैक्टर आ रही है, उस पर धान के पौधे रोपने के लिए जो लोग गाड़ेंगे उनका काम है गाड़ेंगे। उसमें ज़्यादा महिला होती हैं और बिया कबारने का काम ज़्यादा मेहनत होता है तो आदमी करते हैं। ये 3-4 घंटा करेंगे फिर चले जाएंगे किसी और खेत पर। ऐसे ही सारा दिन चलते हैं जब तक शाम न हो जाए। और देखिए ये सब बिया कबारने के लोग आए हैं कबारने के लिए। देखिए कितना लोग आते हैं। और आज का दिन भर काम चलेगा। देखिए हमारे जोखू भाई साहब फिर से ट्रैक्टर ले आते हैं। देखिए आ रहा ना तो कहना तो फिर लेके ही ना वापस, फिर लेके ही ना। हाँ हाँ अभी वापस ही ना देखा है कि कुछ करे कर ला। रस्सी रस्सी वहाँ रख ला ले बार पोच वापस। हाँ ना ही कटाना जा। देखिए इतने लोग हैं धान की रोपाई करेंगे, समझे। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में करते हैं क्योंकि ये लोग पसंद नहीं करते वीडियो बनाना, तो इसलिए बना रहे हैं। घर की औरतें हैं, आगे मिलेंगे फिर।